मरकुस रचित सुसमाचार चौथा अध्याय। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और एक ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उगाया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया, और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा और कोई 100 गुणा फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझें, ऐसा न हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा और कोई 100 गुणा। और उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे, और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और ऐसे बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं।